बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। बिहार में कोरोना संकट के बीच एक बड़ी खबर आ गई है, सियासी खबर। बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। एमएलसी के 9 सीटों के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। बिहार में विधान परिषद के 9 सीटों को लेकर, जिस चुनाव को लेकर लोग काफी इंतजार कर रहे थे, उसकी तारीखों का ऐलान हो गया है। मतलब कोरोना संकट के बीच अब सियासी पारा चरम पर है और अब चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। 6 जुलाई को विधान परिषद के 9 सीटों के लिए मतदान होगा, नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इसको लेकर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, चुनाव आयोग की तरफ से जानकारी दी गई है। इसमें जो शेड्यूल जारी की गई है उसमें बताया गया है कि 18 जून से नामांकन शुरू हो जाएगा, 25 जून तक विधान परिषद के 9 सीटों के लिए नामांकन दाखिल किया जाएगा, 26 जून को स्क्रूटनी की जाएगी और 29 जून तक नामांकन पत्र वापस लेने की आखिरी तारीख होगी। साथ ही साथ विधान परिषद के 9 सीटों पर 6 जुलाई को वोटिंग होगी। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान किए जाएंगे और 6 जुलाई के ही शाम 5 बजे से मतों की गिनती की जाएगी और 8 जुलाई के पहले निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। तो ये एक बड़ी खबर है बिहार में, क्योंकि एमएलसी के 9 सीटों को लेकर चुनाव होना है। इसको लेकर लगातार चर्चाएं जो है वह तेज थी और इसके साथ ही अब चुनाव आयोग ने ये तारीखों का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद अचानक बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। आपको बता दें कि इस बार जो 9 एमएलसी हैं जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, उसकी लिस्ट भी जारी की गई है, जिसमें आप देख सकते हैं जिन विधान पार्षदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है उनमें अशोक चौधरी, कृष्ण कुमार सिंह, पीके शाही, संजय प्रकाश, सतीश कुमार राजा, मोहन शर्मा, सोनेलाल मेहता और मोहम्मद हारून रशीद, हीरा प्रसाद बिंद का नाम शामिल है। तो इन लोगों का नाम शामिल है, ये लोग, इन लोगों का जो कार्यकाल है वह खत्म होने वाला है और इन्हीं सीटों पर विधान परिषद का चुनाव होने वाला है। आपको बता दें कि सीटों की बात करें तो इस साल के 9 सीटों में जेडीयू और आरजेडी को 3-3 सीटें मिलने की संभावना है, बीजेपी को 2 और कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती है। तो तारीखों का ऐलान हो गया है, आने वाले वक्त में क्या कुछ नए अपडेट्स आएंगे, तमाम अपडेट्स आप तक हम सबसे पहले पहुंचाएंगे। बढ़ रहे हैं।